भाई क्या आप चाहते हो कि हर कोई लड़की आपके पीछे पड़ जाए, हर कोई लड़की आपको ही भाव दे? अगर आप ऐसा चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पिक एंड ड्रॉप मेथड के बारे में, जिसके बाद ये पॉसिबल हो पाएगा। अब ये पिक एंड ड्रॉप मेथड पता है क्या है? पकड़ो पकड़ो और छोड़ो, पकड़ो पकड़ो और छोड़ो। अब क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे तारीफ पे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट देने के तरीके पे। आपको पता है, आप एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट ना काफी घातक साबित करवा सकते हो, काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित करवा सकते हो। यूज करना है बस पिक एंड ड्रॉप मेथड, यानी कि आपको डेडिकेटेड तारीफ नहीं करनी है कि सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारी जो आंखें हैं ना इतनी कातिलाना है कि मैं क्या बताऊं, अच्छा दोबारा सुनो, जो तुम्हारा दिल है इतना लाल है, इतना मस्त है कि क्या बताऊं, ऐसी तारीफ नहीं करनी भैया। कैजुअल तारीफ करनी है, नॉर्मल बातचीत कर रहे हो, उसके बाद जस्ट टॉपिक चेंज या वहां से निकल लिए। एग्जाम्पल, अच्छा सुन, वो जो मैम उस दिन बात कर रही थी, तूने पूछा उनसे? यार एक बार पूछ लो यार, मुझे प्लीज बता दियो, बाय द वे टॉप अच्छा लग रहा है तेरा, बस वहां से निकल लो। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे, शर्मा थैंक्स कहे, आपको वहां से या तो निकल जाना है या तो टॉपिक चेंज कर देना है। अब ऐसे मत निकल जाना कि हड़बड़ी दिखाते हो निकल रहे हो, गिरते पड़ते निकल रहे हो, आराम से एकदम नेचुरल लगना चाहिए, एकदम कूल लगना चाहिए। जब हम किसी को जवाब देने का मौका नहीं देते हैं ना, तो उसके अंदर एक आग रह जाती है, कीड़ा रह जाता है कि साला मुझे कुछ कहना है उसको, मैं कह क्यों नहीं पाई। इससे सरकैज़म में ना पिक एंड ड्रॉप मेथड का यूज किया जाता है। एक सरकैज़म मारा, उसके बाद जस्ट भूल गए, ऐसा दिखाओ कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। यानी कि पहले आपको पिक करना है कॉम्प्लीमेंट दे के, और उसके जस्ट बात ड्रॉप करना है वहां से निकल के या टॉपिक चेंज करके। अब वो घर जाएगी और अचानक से शीशे में देखेगी और बोलेगी, यार वो बंदा कह रहा था मेरी टॉप अच्छी लग रही है, क्या सच में मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ? बार बार आपकी तारीफ को याद करेगी, आपको याद करेगी और चंद चंद मुस्काएगी, भैया आपका काम हो जाएगा। यहाँ तक कि अगले दिन भी ना बनठन के आएगी, थोड़ा सुंदर सवर के आएगी कि भैया तुम देखो उसकी तारीफ करो, बार बार आपके सामने से गुजरेगी, आपको आहिस्ता आहिस्ता देखेगी। आप चाहो तो दोबारा उसकी तारीफ कर सकते हो, बातचीत कर रहे हो और बोल दो बीच में कि क्या बात है आजकल तो जुलम ढा रही हो। अब दो दिन की तारीफ हो गई, बस बहुत ये हो गया पिक, दो दिन तारीफ करी पिक हो गया, तीसरे दिन तारीफ नहीं करनी, कर देना है ड्रॉप। वो बार बार आपके सामने आएगी, आपके सामने से गुजरेगी कि भैया मेरी तारीफ करो, बार बार आपको देखेगी बाल पीछे ले जाते हुए कान के, लेकिन भैया आपको तारीफ नहीं करनी। लेकिन एक चीज याद रखना कि यहाँ पर ये मत दिखाना कि आप ये जानबूझ के कर रहे हो, नेचुरल लगने दो। अगर उसको पता लग गया कि आप कर रहे हो इग्नोर, तो भैया वो आपसे नहीं पटने वाली। ऐसा दिखाओ कि आप थोड़ा बिजी हो, अपना काम धाम में लगे हो, आपको याद ही नहीं कि वो आसपास खड़ी भी है। माँ कसम, ये तरीका लड़की को आपके इतने करीब ले आएगा ना कि मैं क्या बताऊं। अगला है, लड़की को सोचने पे मजबूर करो। अब सोचने पे कैसे मजबूर करना है? आपको लड़की के पास जाना है, हाय हेलो जो नॉर्मल आप करते हो वो करना है, और बीच में ही बोल देना अचानक से कि यार तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, क्या बात है, सच है या वाह उड़ रही है? लड़की बोलेगी, यार ये क्या क्या बात कह रहा है ये, मतलब मैंने कर क्या दिया? लड़की आपसे पूछे कि क्या, मेरे को तो पता ही नहीं है क्या हो गया, क्या बोल रहे थे लोग? तुम बोलो क्यों मजाक कर रहे हो यार, तुम्हें नहीं पता होगा, पागल बना रही हो यार, सबको पता है तुम्हें नहीं पता होगा, ऐसी बात करती हो यार तुम भी। अब लड़की पूछती रहेगी, बताओ ना क्या बात है, तुम बता क्यों नहीं रहे? तुम्हें नहीं बताना भैया, तुम बोलो लास्ट में जाके, अच्छा ठीक है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, अभी मेरे को काम है, मैं निकल के आता हूँ, बाद में मिलेगी तो बोल देना तुम पागल हो, मैं तो मजाक कर रहा था यार। अब तुम बोलोगे इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जो बीच का समय था ना, कुछ घंटा हो चाहे दिन हो या कुछ भी हो, उसके बीच में लड़की आपके बारे में खूब सोचेगी कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मेरे बारे में क्या लीक होगी बात, मेरा जो नया बॉयफ्रेंड लगा है मैंने उससे जो किस किया वो पता तो नहीं लग गया लोगों को, उस दिन मैं ये कर रही थी कहीं लोगों को पता तो नहीं लग गया, कहीं ये चीज तो नहीं पता लगी, वो चीज तो नहीं पता लगी। ऐसे में लड़की आपको खूब याद करेगी। और याद रखना मेरे भाई, जब लड़की आपको याद करती है ना, तो कहीं ना कहीं ना जाने आपके करीब आने लग जाती है। अब भैया करीब आएगी तो आपके करीब तो आएगी। अगला पॉइंट है थ्री थिंग्स फॉर्मूला। अब इसके बारे में हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, इसमें भी पिक एंड ड्रॉप मेथड यूज होता है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। इसमें हम लोग करते क्या है कि लड़की को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में तीन चीजें बहुत पसंद है, दो चीजें कुछ भी बताओ जो कि आपको लगती है, और वो ना रियल होनी चाहिए, थोड़ी ना नेचुरल होनी चाहिए कि पता है मुझे तुम्हारे बारे में तीन चीजें बहुत अच्छी लगती है। लड़की बोलेगी हाँ बताओ कौन सी बातें हैं? तुम बोलो पहली तो यार तुम्हारी आईब्रोज, यार सच में बहुत अच्छी है तुम्हारी आईब्रोज। दूसरा पूछेगी दूसरा बताओ? दूसरा यार तुम्हारे जो नखरे हैं ना, यार मैं क्या बताऊं नखरे तुम्हारे कमाल के हैं। लड़की बोलेगी अच्छा तीसरा बताओ? तुम बोलो तीसरा यार छोड़ो ना यार, तीसरा बता दूंगा ना तुम उसे बात नहीं करोगी। लड़की बोलेगी कमाल कर रहे हो यार, मुझे बताओ मुझे चाहिए। तुम बोलो यार छोड़ो ना यार, तुम समझ नहीं रहे यार। लड़की बोलेगी मुझे बताओ? तुम बोलो अरे यार छोड़ो ना। अब अपने बारे में कौन नहीं सुनना चाहता, अपनी तारीफ कौन नहीं सुनना चाहता? लड़की आपके पीछे पड़ जाएगी, अरे बता ना मुझे, बता मुझे चाहिए। तुम बोलो ठीक है यार मैं बाद में बता दूंगा छोड़ो ना। अच्छा यहाँ पर लड़की शातिर निकली तो पता है क्या कहेगी? अच्छा ठीक है मत बता तेरी मर्जी। अब लौंडे पिघल जाते हैं यार, लड़की तो गुस्सा हो गई, अब बताना स्टार्ट कर देते। सुन सुन तीसरा पॉइंट ना ये है, मैंने तो एक लव जेम्स की वीडियो देखी थी, उसने ऐसा बताया था। ऐसे
पिछले पॉइंट में तुम कहते हो ना कि आजकल तुम्हारे बारे में बहुत अफवाह फैल रही है यार, क्या बात है, सच है क्या? तो लड़की बोलेगी, अरे हमारे बारे में तो बातें होती रहती हैं। अब लड़की यहाँ पर जानबूझ के कर रही है कि वो ऐसा ना दिखाए कि वो नीडी है। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि लड़की जानना नहीं चाहती कि उसके बारे में क्या चीजें हैं, अंदर से तो एकदम उबाल आ रहा है, लेकिन लड़की ने एकदम ठीक दिखा रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिख के ले लो, लड़की को ये फर्क पड़ता है कि मेरे बारे में क्या बात हो रही है। तो भैया यहाँ पर ना एक कदम आगे रहना पड़ेगा, प्लान ए खराब हुआ तो प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी खराब हुआ तो प्लान सी होना चाहिए। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं जरूर ऐसी वीडियो अगली बनाऊंगा। और भैया अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, मेरी मेहनत का थोड़ा तो फल दो मेरी जान। और अगर नए हो तो भैया आपका सब्सक्राइब करना बनता है, नहीं तो आप इतनी दूर तक वीडियो थोड़ी देखते, तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल वाला जो घंटा है उसको टनाटन टन कर देना। और अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी क्रश को ये वीडियो शेयर जरूर करना। करना क्या हो तो आपको पता है, नीचे एक शेयर वाला बटन होगा, उसको जाना है, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है।